सर्च कीजिए मेरा चैनल टेक आरबीटी और दबाइए इस लाल सब्सक्राइब बटन को और इस घंटी को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे और ये बिल्कुल फ्री है। दोस्तों आज मैं आपको ऐसे ही डबल रोल बनाना सिखाऊंगा। मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हैं टेक आरबीटी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो भी रिक्वायरमेंट्स है सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों आपको डबल रोल बनाने के लिए एक ऐप इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है काइन मास्टर। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से जाके डाउनलोड करेंगे तो आपको एक पेड वर्जन मिलेगा जो कि फ्री है, पर अगर आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करेंगे तो आपको एक फ्री वर्जन मिलेगा जो जिसे आपको पेड करना पड़ेगा अगर आप कोई फीचर्स उसमें एक दो फीचर्स हैं जो कि आप ले पाएंगे। तो ये एक मॉडेड वर्जन है, मतलब कि एक ऐसा वर्जन है जो कि पेड है। तो सबसे पहले इस आइकॉन पर क्लिक करना होगा और एम्प्टी प्रोजेक्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद जब ये ऐसा आ जाएगा आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको मीडिया ब्राउज़र पर क्लिक करना होगा और बैकग्राउंड एक वाइट बैकग्राउंड आप ले लीजिएगा और एंड ओके कर दीजिएगा। उसके बाद इसको थोड़ा आप लंबा कर लीजिएगा, जैसे मेरी वीडियो करीबन 40-50 सेकंड के है तो मैंने कर दिया और ओके कर दिया। उसके बाद आपको करना है, तो मैंने उसको यहाँ यूँ करके और यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो खींचने का बटन आता है, इसको इससे आप उसको चौड़ा कर लीजिए। उसके बाद लेयर पर क्लिक करके वीडियो पर क्लिक करके जो आपको दो वीडियो बनानी पड़ेगी, मैं आपको बता देता हूँ कैसी कैसी वीडियो। एक तो वीडियो जिसमें आप लेफ़्ट साइड में हैं और एक वीडियो जिसमें आप राइट साइड में हैं। तो पहले हम राइट साइड वाली वीडियो ले लेते हैं, क्लिक करते हैं राइट साइड वाली वीडियो। और तो ये राइट साइड वीडियो वाली हमारी राइट साइड वाली वीडियो चल रही, तो ये थोड़ी छोटी पड़ रही है तो हम इसको बड़ा कर लेते हैं। जो हमारा बैकग्राउंड है वो छोटा पड़ रहा है तो हम इसे और बड़ा कर लेते हैं, फिर हम इसे बाद में कट कर देंगे जो कि अननेसेसरी पार्ट्स है। तो ओके करता हूँ और प्ले करता हूँ। तो हमें चाहिए यहाँ से हमें स्टार्ट चाहिए, इस पर क्लिक करेंगे, सीजर पर क्लिक करेंगे और फर्स्ट ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद इसे एकदम फ्रंट में ले आएंगे, इसको ड्रैग करके क्लिक करके और ड्रैग, फिर हम जैसे इसे प्ले करेंगे तो यह ऐसा कुछ चल जाएगा। उस पर पॉज करिए, वीडियो पर क्लिक कीजिए और जो सीजर के बगल में जो बटन है एक स्क्वायर और बीच में डॉट डॉट डॉट, उसे दबाइए और आप राइट साइड का बटन चूज़ कर लीजिए और फिर आपके हिसाब से इसे थोड़ा सा जैसे आप सेट करें, क्योंकि आप वीडियो बनाएंगे तो मैं इतना कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो अब ये बन चुकी है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर, अब हमें ये कहाँ तक चाहिए, अब मैं इस जगह पर उठ जाता हूँ तो मैं इस जगह मैं उठ गया, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर सीजर पर जाकर सेकंड ऑप्शन करना है। तो आप देख लीजिए इस वीडियो को, काफ़ी छोटी वीडियो होगी है और आप आसानी से कर सकते हैं, ज़्यादा 5-8 मिनट की वीडियो होगी है और ये कर दीजिए। उसके बाद इसे एग्ज़िट एक बार इसे प्ले करके देख लीजिएगा और ये प्ले का बटन है और फिर एग्ज़िट कर दीजिएगा ऊपर बटन से, फिर वीडियो पर क्लिक कर इसे शेयर पर क्लिक करिएगा और सेव वीडियो टू गैलरी कर इसे आप फुल HD में कीजिएगा। अगर आपको पब्लिश करनी, मैं मीडियम क्वालिटी में करता हूँ क्योंकि अभी हमें बताना है आपको कि फास्टली हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं ताकि आप भी ऐसी चीज़ें फास्ट बना सकें। तो दोस्तों ये एक्सपोर्ट हो चुका है, अब एक बार इसे प्ले कर हम देख लेते हैं। तो प्ले करके एक सेकंड में इसका ये ऑटो रोटेशन ऑन कर देता हूँ और हम इसे प्ले करके देखते हैं कि ये कैसा चलता है। तो सही, एकदम सही चल रहा है, हम देखते हैं कोई कट नहीं आया, ठीक है, एकदम करेक्ट। बैक आ जाते हैं, ओके करते हैं और वापस से हमें होम पर आना है इसके, फिर प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, एम्प्टी प्रोजेक्ट पर वापस से हमें क्लिक करना है, मीडिया ब्राउज़र पर जाना है और अब हमें एक्सपोर्ट जो हमारा अभी कंटेंट हुआ है उस पर क्लिक करना है, उसके बाद एंटर करना है। तो हमारे ये आ चुका है, उसके बाद हमें वो लेफ्ट साइड वाला जो हमारी क्लिप है उसे हमें करते, दो क्लिप बनानी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कैसे बनानी है, अभी आप देख लेंगे। फिर मैं अब जाता हूँ और अपना लेफ्ट साइड का ले लेता हूँ। तो अब इसे अगर रिकॉर्ड करने के लिए शायद आपका ना पूछे तो ठीक है, मेरा पूछ रहा है तो मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ। 720p पर ये एनकोडिंग होगा, तो देखते हैं क्या करता है ये। तो दोस्तों ये 2% पर आ गया है, अब मतलब 2 मिनट बोला, 2 सेकंड बोला था इसने, अब ये 0 और ये सेट हो चुका है। तो अब इस पर कोई ब्लर निशान नहीं आ रहा है। अब हम वापस स्क्वायर बटन पर क्लिक करेंगे और हम लेफ़्ट साइड वाले पर क्लिक कर देंगे तो एकदम मैच हो गया है। अब ये मैच नहीं हो रहा है तो आप इसे
सेट करिए। अब ये मैच नहीं हुआ, अब सही है, एक सेकेंड थोड़ा सा और थोड़ा, तो आप इसे इधर कर ले, ठीक है, ओके। तो ये अब आपके हिसाब से आप सेट कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा मेरा जो ट्राइपॉड था उसमें मेरा थोड़ा सा कैमरा हिल गया था पहली वीडियो बनाते वक्त, तो उस बात का ध्यान रखा मैंने और वही चीज़ मैंने की। तो अब यहाँ पर हल्का सा कट लग रहा है, पर वो ठीक है, सेट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमने केसी स्टाइल्स क्या, वो आपको जो 1 2 3 सुनाई दे रहा होगा वो मैं काउंटिंग कर रहा था, क्योंकि मैंने सेकंड्स गिने थे कि कब मेरे को जाना है। तो मैं अब 30 सेकंड पर आ जाता हूँ डायरेक्ट। तो मैं आ गया यहाँ पर और ये डबल रोल हमारा चल रहा है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छे से हमने डबल रोल बना लिया है, कोई बड़ी वीडियो नहीं थी। आप भी आसानी से डबल रोल बना सकते हैं अपना खुद का। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट जो मैं वीडियो डालूंगा उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। मिलता हूँ ऐसी ही अगली वीडियो में।